करने के लिए पूरे देश में राजभर समाज आक्रोशित है और इस चीज़ को लेकर के हरिंद्रनाथ योगी जी ने अभी जल्दी में ही बयान दिया है 14 मई को कन्वेंशन हॉल में कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को पासी बता दें और महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और हमारे समाज के सारे लोगों को इस बात का दुख पहुंचा है कि उन्होंने पासी की राजभर समाज के लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आक्रोशित हैं कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया कौन सा इतिहास उन्होंने पढ़ लिया। आपने देखा होगा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी है नूर मंजिल तिराहे के पास में जो इस समय महाराजा सुहेलदेव राजभर चौराहे के नाम से घोषित हो चुका है और वो सरकार ने क्या मांगे हैं। मांगे हमारी ये है कि अपना बयान वापस लें और अगर बयान वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग बड़े पैमाने में पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बात हो जाए। आज आपने क्या किया? आज हम लोगों ने उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया है वहीं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति के पास में और आपको बताना चाहेंगे कि 1999 में वो मूर्ति लगी है और उस मूर्ति के उद्घाटन समारोह में उस टाइम के वर्तमान बीजेपी के ही मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे वो उन्होंने खुद कहा था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर ही थे और वहाँ पे जिला पट पर भी लिखा हुआ है महाराजा सुहेलदेव राजभर श्रावस्ती नरेश। तो इन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ लिया है कहाँ से पढ़ करके इन्होंने बयान दे दिया कि महाराजा सुहेलदेव पासी है इसी बात को लेकर के पूरे राजभर समाज में आपको फैला हुआ है कि आंदोलन की रूपरेखा एक बनाई जाए और बृहद पैमाने पर इस चीज़ को हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। जब तक ये अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग जो है कि विरोध करते रहेंगे और जब इनको हम लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा सकते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर उसे उतारने का हैसियत भी रखते हैं।